मौलाना के द्वारा शांति अमन की दुआ के संदेश के साथ बीड़ मुंदी की ईदगाह पर नमाज अदा की गई, जिसके बाद बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मिलन समारोह में मुस्लिम समाज के द्वारा सभी को मीठी सेवइयां खिलाई गई। जनप्रतिनिधि भी बधाइयां देने पहुंचे थे। मुंदी नगर में रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद मनाई गई। ईदगाह पर सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते ईदगाह पर भीड़ बढ़ने लगी। वहीं मौलाना दिलावर साहब के द्वारा 9:30 बजे ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से घर में ही ईद की नमाज अदा की जा रही थी, पर अब मौका मिला तो मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नगर के लिए सुख शांति और भाईचारा हमेशा बना रहे, इसके लिए भी दुआ की गई। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा सभी धर्म व समाज जनों की खिदमत के लिए सेवइयां खिलाने का इंतजाम भी किया गया था, जिसमें नगर के सभी समाज के लोग आए, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं इस मौके पर एसडीएम तहसीलदार, मुंदी थाने की टीम, नगर परिषद अमला, बीएमओ सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ठीक, सलाम भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं मोहम्मदी मस्जिद का इमाम मोहम्मद दिलावर, यहाँ पर जो है ईदगाह के अंदर बड़ी शांति के साथ में नमाज अदा की गई और पूरे रमजान मुबारक के अंदर रोजे रखे और नमाजों को अदा किया गया। इसके अंदर कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशासन का जो है बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं कि उन्होंने हमारा हर काम के अंदर साथ दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।